खुली हवाओं की सोहबतें बिगाड़ देती है। सोहबत होता है साथ, तो क्या क्या कहा, खुली हवाओं की सोहबतें बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छतें बिगाड़ देती है। जो जुर्म नहीं करते इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देके अदालतें बिगाड़ देती है। तो बच्चों गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। क्लास 12th की आज एक नई यूनिट हम शुरू करने वाले हैं। तो ये जो मैंने शायरी आपको सुनाई है, ये इसीलिए सुनाई है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सुनाई है कि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं टोक रहे हैं, तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। आप इतने बुरे नहीं हो, आप तो ठीक है, जुर्म कर रहे हो, लेकिन हमें पता होते हुए कि आप ये गलत कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे, फिर हम आपको कुछ नहीं कहे, तो वो गलत बात है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली होगी, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। आज का जो नया टॉपिक हम लेके आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 3rd CBSE की हम शुरू करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे से इस यूनिट को पढ़ेंगे। आप उतने ही अच्छे से इसके नोट्स बनाओ और साथ साथ चलो, अगर किसी कोई डाउट आता है तो वो बीच में मुझे पर्सनली मैसेज करके या फोन करें, कैसे भी अपने डाउट्स जरूर क्लियर किया करो, डाउट्स नहीं रखने चाहिए। इस यूनिट को हम आज से लगभग 12 दिन, मैंने 12 लेक्चर्स इसके डिसाइड किए कि 12 लेक्चर्स में इस यूनिट को हम निपटा लेंगे, और इसको बहुत अच्छे, जितनी अच्छी से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की उससे भी ज़्यादा अच्छे से हम इसको करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या था, केमिकल रिएक्शन होने लग गई थी। देखो केमिकल रिएक्शन होने लग गई थी, पता चल गया था कि भाई केमिकल रिएक्शन होती है कुछ, ठीक है। अब ये रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन क्या है, कितना टाइम लेगी, स्लो है, फास्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए कि जिसने केमिकल काइनेटिक्स मतलब एक नई ब्रांच को जन्म दिया उन क्वेश्चंस ने। तो केमिकल काइनेटिक्स की वो डेफिनेशन देखो, फिर इसको एक तरह से एक फ्लो डायग्राम में बताऊंगा कैसे ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, कैसे रिएक्शंस को ये डील करते हैं। तो क्या कहा कि केमिकल काइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेट्स और वेलोसिटी। रेट का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, मतलब कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या रहा, या तो रेट या फिर वेलोसिटी एट विच ए केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स। तो सबसे बेसिक सबसे मोटी सी बात उसने बताई कि केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगा, जो वेलोसिटी होगी, कि किस स्पीड से किस वेलोसिटी से वो कंसंट्रेशन उसकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस चीज़ को किसी भी रिएक्शन की को हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंडर। केमिकल काइनेटिक्स जो ब्रांच होगी केमिस्ट्री, वो हमें किसी भी रिएक्शन के रेट्स के बारे में बताएगी कि ये रिएक्शन कितनी फास्ट होगी कितनी स्लो होगी, और ये रिएक्शन के फास्ट और स्लो, मान लो एक रिएक्शन तो हो रही है बहुत स्पीडली हो रही है कि माइक्रो सेकेंड पिको सेकेंड में हो रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, एक बहुत देर से जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की 2 दिन 3 दिन लग रहा है, एक और ज़्यादा लो डीप में जाओ सीमेंट का जो बनाते हैं सॉल्यूशन, वो सीमेंट लगाने में सेट करने में टाइम लग जाता है, या पेड़ होते हैं, पेड़ धीरे 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 डिग्रेड होते हैं, सब केमिकल चेंजेस तो हो रहे हैं। रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज होना, कि कुछ इनिशियली कुछ होगा, कुछ टाइम बाद कुछ होगा। तो एक तो बहुत ही जल्दी हो रहा है कि तुरंत हमने डाला हो गया न्यूट्रलाइजेशन, कुछ डाला तुरंत प्रेसिपिटेशन हो गया, और एक हमने डाल दिया छोड़ दिया 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन। तो ये जो चीजें थी कि केमिकल चेंज तो हो रहा है, किसी में बहुत जल्दी हो रहा है, किसी में बहुत धीरे हो रहा है, किसी में बहुत ज्यादा धीरे हो रहा है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, कौन गवर्निंग फैक्टर्स हैं इनके, वो सब हमने पढ़ने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का जन्म हुआ। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इन क्वेश्चंस को जो आंसर देने की कोशिश की गई, वो कैसे केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर की गई। तो देखो हमने जो अभी पढ़ा था 11th क्लास में, आप लोगों ने एक पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स, है ना। देखो ये पढ़ेंगे हम, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले है क्या वो रिएक्शन होगी, मतलब फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पहली बात,
कोई भी केमिकल रिएक्शन हम सोच सकते हैं कि भाई ये मिलाएंगे हो जाएगी। तो पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कि क्या वो रिएक्शन होगी, दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन। पहली फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से आप समझ सकते हो क्या, सीधे थर्मोडायनेमिक्स पे जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी हमने पढ़ी थी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये बताइए किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अगर डेल जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में फिजिबल नहीं होगी। ये तो पढ़ा था हमने, ये कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था भाई थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था। तो केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट्स में अगर हम पढ़ें तो पहला होगा फिजिबिलिटी, क्या वो रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कैसी होगी, होगी या नहीं होगी। तो उसको बताया गिब्स ने, गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी की वैल्यू दी, अगर डेल जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है मतलब रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियसली चल रही है। अगर रिएक्शन जीरो है तो डेल जी की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम पे, अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस, हमने कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब आ जाओ कि अगर वो रिएक्शन हो रही है, इफ रिएक्शन अकर्स देन एट विच रेट, किस रेट पे रिएक्शन हो रही है, किस स्पीड से रिएक्शन जाएगी, रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट में चला जाएगा, वो पढ़ेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स भाई पता चल गया, दो ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े किसी भी रिएक्शन में क्या ये रिएक्शन होगी, अब वहां से आंसर आ गया हाँ भाई होगी, बिल्कुल होगी। फिर हम चलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, किस स्पीड से होगी, कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट्स में टूटेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, ये चीज पढ़ाएंगे हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। कर लोगे भाई, चलो देखो आगे। हाँ तो बच्चों देखो, जो हमने पढ़ा अभी जो मैंने समझाया उसको अगर एक फ्लो चार्ट के रूप में हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड, उसका इंट्रोडक्शन में लिखे अपने डेफिनेशन, उसके बाद लिखो टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑफ ए केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शन, वन मस्ट कंसिडर बोथ थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। कि किसी भी केमिकल सिस्टम को, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने दोनों सिस्टम को कंसीडर करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स को भी और केमिकल काइनेटिक्स को भी। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगी, डज ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, थर्मोडायनेमिक्स हमें प्रिडिक्ट कराएगी क्या ये रिएक्शन होगी, अगर वहां से हमने सिग्नल आ गया हाँ होगी। देन केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगी, हाउ फास्ट डज ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि वो कितनी तेजी से कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से वो रिएक्शन होगी। अब देखो हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन के लिए एक तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी, फिजिबिलिटी के लिए डायरेक्ट बताया, एक एंट्रोपी चेंज का इफेक्ट आया था डेल जी इक्वल डेल एस माइनस टी डेल एस। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अब काइनेटिक्स में हमने पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रेट, रेट पढ़ेंगे हम। उसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँ तो जो काइनेटिक्स जो वर्ड है, काइनेटिक जो वर्ड है केमिकल काइनेटिक, केमिकल केमिकल रिएक्शन से काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट या कोई चेंज, ये वहां से आया है कि कोई भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से किस स्पीड से कैसे जा रहा है वो उसको रिलेट करता है, इसलिए इनकी नाम पर टर्मिनोलॉजी आई हमारी केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल रिएक्शंस की मूवमेंट या उसके चेंज को डील करती है। तो लिख लो अगर लिखना चाहो तो कि द वर्ड काइनेटिक्स मीन्स द मूवमेंट और चेंज एंड हेयर इट रेफर्स टू द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विच इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। कर लोगे भाई, ये एक फ्लो चार्ट टाइप अपने बना लेना ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में और हम क्या पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हमने क्या पढ़ा है और कौन किस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए किस टर्मोलॉजी को हमने यूज करना है। कोई पूछा है कि क्या रिएक्शन होगी, कौन बताएगा इस बात को, केमिकल काइनेटिक्स इस बात को बता देगा, नहीं बताएगा भाई, केमिकल काइनेटिक्स नहीं बताएगा, वो बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। हाँ ये पूछे कि रिएक्शन कितनी तेजी से होगी, कितने दिन में होगी, कितने मिनट में होगी, कौन बताएगा, केमिकल काइनेटिक्स। अभी देखो केमिकल जो काइनेटिक्स है ना, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे इस पूरी यूनिट में। देखो भाई ये फ्लो चार्ट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं है, जो डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स को आपको ज्यादातर लोग पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे ज्यादातर टीचर्स, किसी दाएंगे केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन,
सीधा रेट ऑफ रिएक्शन शुरू कर से, मैं भी कर सकता था, डजेंट मैटर, कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन जब तक आपको किसी भी कहानी का शुरुआत नहीं पता होगा, किसी भी कहानी जो लंबी चलनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बेस नहीं पता होगा आपको, आप उसको बीच से उठा के जाओगे तो हमेशा पजल रहोगे। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप ना तो पूछ सकते हो ना आपको कोई बताए, और हमेशा पजल रहोगे। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, मैं आपको ग्राउंड लेवल से उठाता हूँ, जीरो से उठाता हूँ कि भाई क्यों कहाँ कैसे। उसके बाद एक दो लेक्चर के बाद हम आते हैं हमारे सिलेबस में, तो हो सकता है एक दो लेक्चर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगी, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो मुझे नहीं लगता इससे अच्छे आपको कहीं हो सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स को भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो क्या मतलब होता है, आप सब लोग 11th क्लास पास करके आए हो, मैक्रो और माइक्रो आपने पढ़ा होगा। मैक्रो मतलब बिग, बड़े, तो यहाँ पे बड़ा तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई मैटर की बात कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आता है मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और ये आई माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो रिएक्शन की होगी, मैक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे किसी रिएक्शन का रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ये सब पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ना पूरा। जो माइक्रोस्कोपिक होगी भाई, यहां पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि कहाँ कैसे क्यों ये रिएक्शन हो रही है, कौन उसके पीछे का गवर्निंग फोर्स है, किस कारण ये रिएक्शन, ये प्रोडक्ट ही बना रही है, दूसरा क्यों नहीं बना रही, ये पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक में। और वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म के अंदर की रिएक्शन कैसे हो रही है। इसमें हम ज्यादातर टर्म्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज, या मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज, मोबिलिटी कि कितनी फास्ट कौन मॉलिक्यूल जाएगा, यहाँ पे ये चीजें पढ़ेंगे। मतलब ये पार्ट हमारा डील करेगा मैकेनिज्म को, कि कैसे किस तरह से दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो किस स्पीड से जा रहे हैं, कौन कौन उसको इफेक्ट करता है, क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है उसका रेट पे, क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है रेट पे, क्या कंसंट्रेशन का, वो इधर पढ़ेंगे, बाकी इधर पढ़ेंगे, हो जाएगा। चलो वेरी गुड, आगे देखो। अब देखो बच्चों, जो हमने पढ़ा अभी कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दो तरह से हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, अब देखेंगे कि क्या क्या स्कोप, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनसे, हमने क्या क्या फायदे हो सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के, या इस ब्रांच की, जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो देखो पहली एप्लीकेशन है इनडिटरमिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स गवर्निंग द रेट, कि किसी भी रिएक्शन के रेट को पढ़ने के लिए, कि कौन रिएक्शन किस स्पीड से जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जाएगी, किस पर डिपेंड करेगी, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सबका क्या इफेक्ट होगा। पहली बार इन प्रेडिक्टिंग द कंडीशन फॉर मेंटेनिंग द रिएक्शन रेट, अगर कोई रिएक्शन इस रेट पर चल रही है कि इनिशियली मान लो यहाँ 10 है और 1 सेकेंड में 10 से 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल से 5 बना रहा है, तो 10 से 5 इसी स्पीड से इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन देनी पड़ेगी कि यही रेट बैलेंस, मतलब रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स बताइए कि मेंटेन कैसे करेंगे रेट को। उसके बाद इनडिटरमिनेशन ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन इन सर्टेन टाइम पीरियड, यील्ड, यील्ड होता है कि कितना हमने लिया और कितना हमें मिला, कि कितना रिएक्टेंट लिया और कितना प्रोडक्ट मिला, एक तरह से परसेंटेज, कि हमने मान लो शुरू में 100 ग्राम कुछ लिया और हमारे पास 80 ग्राम बन गया उधर प्रोडक्ट, मतलब क्या 80% यील्ड आई। तो क्या कर रहे हैं कि जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है, ये हमें यील्ड के बारे में बताएगी कि कोई हम रिएक्शन करेंगे तो अगर ये प्रोडक्ट लेंगे, ये रिएक्टेंट लेंगे तो प्रोडक्ट इतना परसेंट बनेगा, ये लेंगे तो इतना परसेंट बनेगा। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी रिएक्शन हमारे लिए अच्छी है, कोई चीज़ हमें प्रोडक्शन करनी है मान लो, तो हमें 2-3 तरीके उनको करने के, तो यील्ड देखेंगे हम किसकी यील्ड अच्छी है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में बन रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, वो हम बेस्ट यील्ड वो वाला हम सेलेक्ट करेंगे, ये कौन बताएगा, ये भी केमिकल काइनेटिक्स। उसके अलावा इन कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, कि किसी भी रिएक्शन का कितने टाइम में उसकी हम निकालेंगे, हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, T3/4 भी निकाल सकते हैं, कि कितने टाइम में कौन सी रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट होगी, मतलब उसकी तरह से एक तरह से उसका टाइम कैलकुलेशन, उसका चार्ट पता चल जाएगा, टाइम टेबल, कि अब इतने टाइम में इतनी कंप्लीट होगी, अब इतने टाइम में इतनी कंप्लीट होगी, तो टाइम भी हम उससे बताएं। और लास्ट में जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट है कि मैकेनिज्म, कि कोई भी रिएक्शन उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं या कैसे स्ट्राइक कर रहे हैं जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, वो पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ स्कोप्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अभी देखो अब शुरू करते हैं अपनी एक्चुअल में जो हमारे सिलेबस से है,
रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक इतना है, नेक्स्ट हेडिंग डालो रेट ऑफ। भाई रेट ऑफ रिएक्शन से पढ़ने से पहले छोटी सी टर्म आती है स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री का मतलब होता है एक तरह से कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट की कैलकुलेशन कि किसी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट लिया, कितने प्रोडक्ट बना हमारे पास। तो एक तरह से हम स्टिक्योमेट्री को बता सकते हैं, स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। कि कितना अमाउंट हमने लिया इनिशियली, कितना उसमें से आपस में रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना दिया, ये होती है स्टिक्योमेट्री रिएक्शन की। भाई एक तरह से आप समझ सकते हो कि कितने ने कितना बनाया, कितने रिएक्टेंट ने कितना बनाया, स्टिक्योमेट्री कहेंगे। अब मान लो कोई एक जनरल रिएक्शन ले ली जिसमें ये इस तरह की रिएक्शन है भाई, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ये रिएक्शन है, ये जनरल फॉर्म है इसकी। हमने आपने 10th क्लास में पढ़ा स्केलेटन इक्वेशन, ये स्केलेटन इक्वेशन है, बैलेंसिंग नहीं है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब इनको हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस क्यों करनी होती है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, फॉर्म चेंज हो जाएगी। कि भाई हमने मान लो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये चाहिए था हमने, तो हम इसकी कैलकुलेट करेंगे यील्ड कितनी आई, बाकी सब बनेगा तो बहुत कुछ, जितना इधर था सारा बनेगा, रिएक्ट होगा तो कंप्लीट। तो बैलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा मेंटेन रहे, कि इधर इतना मास लिए इतने ग्राम था, इधर भी इतना ग्राम रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा, अगर मान लो 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो 10 ग्राम प्रोडक्ट ही बनेगा। फॉर्म चेंज हो सकती है, हो सकता है यहाँ हीट निकल जाए कुछ, हो सकता है यहाँ कोई गैस निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा बैलेंस। तो इनको जब बैलेंस करते हैं हम, तो इनके आगे इनके कोफिशियंट लगाते हैं बैलेंसिंग के, तो उनको क्या कहते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। स्टिक्योमेट्रिक समझ में आ गया कि कितना अमाउंट हमने रिएक्टेंट का लिया, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा, होती है स्टिक्योमेट्री। और जो इनका आगे जो कोफिशियंट लगे होते हैं ए बी सी डी स्मॉल वाले, ये होते हैं स्टिक्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर कोफिशियंट। क्या होते हैं, स्टिक्योमेट्री कोफिशियंट। अभी देखो एक रिएक्शन लेते हैं, मान लो ट्वाइस नहीं, ट्वाइस नहीं, हम लेते हैं एच टू प्लस ओ टू, क्या बनाएगा, एच टू ओ बना रहा है भाई, एच टू प्लस ओ टू मिलके एच टू बना रहा है। तो पहले ये तो होगी स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन है, दो से मल्टीप्लाई कर दो ट्वाइस एच टू ओ, अब हाइड्रोजन चार हो गए, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, अब होगी रिएक्शन बैलेंस। तो अब ये जो आ गए ना टू, ये टू और इसके आगे क्या है वन, ये हो गया हमारे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। अब देखो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट जो लिखते हैं, अगर आप लिखना सीख गए तो आपको रेट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके दो एच टू ओ बना रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये मिलके ये खत्म हो रहे हैं, ये घट रहे हैं, जबकि एच टू ओ पहले जीरो था। मान लो इनिशियली एट टाइम टी, टाइम टी, टाइम टी हमने क्या था, हमारे पास एच टू था और ओ टू था, और जब हमने रिएक्शन शुरू की टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे जब हमने रिएक्शन शुरू की तो एच टू प्लस ओ टू ने रिएक्ट करके एच टू ओ बना दिया। मतलब ये दोनों कुछ ना कुछ घटे हैं, डिक्रीज हुए हैं और ये बढ़ा है। तो जब भी हम कोफिशियंट लिखेंगे तो जो रिएक्टेंट साइड है उसका कोफिशियंट के सामने हम नेगेटिव वैल्यू लगाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, इसलिए उनको नेगेटिव स्टिक्योमेट्री देते हैं। जैसे अगर इनका कोई पूछे आपको स्टिक्योमेट्री कोफिशियंट लिखो इस रिएक्शन का, तो क्या लिखोगे, माइनस टू, माइनस वन और प्लस टू। ये पता चल गया ये प्रोडक्ट है, ये दो रिएक्टेंट है भाई, सीधी सी बात है। कर लो स्टिक्योमेट्री, आ गई समझ में कि क्या होती है क्या नहीं होती, स्टिक्योमेट्री कोफिशियंट क्या होते हैं, ये सब कर लोगे आराम से। अब पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। चलो एक बार एक रिएक्शन है, इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट बताओ मुझे। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट क्या होता है कि कितना उसका कोफिशियंट है रिएक्टेंट के सामने और प्रोडक्ट के सामने, कितना कोफिशियंट है, यहाँ कितना वन माइनस, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट क्या लिखेंगे, माइनस वन है इसका, ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये प्लस टू। देखो अब एक बार इस रिएक्शन को एक बार फिर से दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या हो रहा है कि रिएक्शन जो है उसमें एक ए का मॉलिक्यूल तीन बी के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके दो जेड के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये बैलेंस रिएक्शन हमारी कि ए का एक मॉलिक्यूल तीन बी के साथ मिलके दो मॉलिक्यूल ऑफ जेड बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ बी इज थ्री टाइम्स, ये तो कह सकते हैं कि भाई बी का जो कंजप्शन है वो थ्री टाइम्स है ए के, कि ए एक जार ए कंज्यूम हो रहा है और बी थ्री, तो कंजप्शन ऑफ बी इज थ्री टाइम्स टू ए। और देखो फॉर्मेशन ऑफ जेड इज ट्वाइस ऑफ ए, फॉर्मेशन ऑफ जेड इज ट्वाइस ऑफ ए, कह सकते हो ना सर।
ये रिएक्शन मैंने इसलिए लिखे है तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको समझ में आ जाए, एक रिएक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है तो उसका मतलब क्या है कि एक ए और तीन बी मिलके दो जेड बना रहे, इसका मतलब है कि कंजप्शन ऑफ बी इन द रिएक्शन इज थ्री टाइम्स ऑफ ए एंड द फॉर्मेशन ऑफ जेड इज ट्वाइस द ए, कि ए मान लो 10 ग्राम है तो यहाँ बी तीन टाइम्स ग्राम नहीं, ये मोल्स में चल रहा है, वन कोफिशिएंट है ना, ग्राम नहीं चल रहा, कि एक मोल इसका तीन इसके दो इसके बना रहे हैं। तो एक तरह से स्टोइकोमेट्री का रिएक्शन की डेफिनेशन से आपको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है अगर कोई रिएक्शन बैलेंस लिखी होती है कि एक ये तीन बी के साथ मिलके दो जेड बना रहा है, तो इसकी कंजप्शन ये तीन यूज हो रहा है, ये एक हो रहा है और ये दो बन रहे हैं। साइज इनके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये है पूरा सीन, हो जाएगा। चलो वेरी गुड, तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं फाइनली, आगे रेट ऑफ रिएक्शन पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने लिख दी। इससे पहले एक चीज और देख लो कि तीन टाइप की रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन और होती है फास्ट रिएक्शन। दो तरीके होते हैं, जैसे फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो तुरंत हो जाते हैं जो रिएक्शंस बहुत जल्दी से हो जाती है, जितने भी हमारे आयनिक रिएक्शन होगी, आयनिक रिएक्शन सारी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी से हो जाती है। KOH किसी भी एसिड बेस को रिएक्ट करा दो, तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो जी फास्ट रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन फास्टेस्ट होती है कि एटम बम है या कोई हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है, एनर्जी जनरेट करे, वो सब फास्ट रिएक्शन में आती है। स्लो रिएक्शन होती है जो धीरे धीरे होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग अप ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेट होना, रस्टिंग, ये धीरे 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 होकर लास्ट में बिल्कुल अपना प्रोडक्ट बना लेती है और सेट हो जाती है। रस्टिंग धीरे धीरे जंग लगेगा, मिट्टी आएगी, नमी आएगी और धीरे धीरे वो कलर चेंज करके रस्ट आ जाएगा आयरन के ऊपर, तो रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो। एक होती है इनके बीच की रिएक्शन जो मॉडरेट टाइम लेती है, तो तीन टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन में हमारे कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है या ऐसी रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के बीच का टाइम लेती है, उनको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई बार टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये लिखना है एक फास्ट एक स्लो और एक बीच में होती है मॉडरेट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आइदर रिएक्टेंट ये टी आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि एक पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, कितना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। अब बताओ रिएक्टेंट है वो किसी भी रिएक्शन के अगर हो रही है तो वो घटेगा या बढ़ेगा। मान लो एक रिएक्शन हमारी ए, ए से जा रहा है हमारा बी, ये कोई रिएक्शन जनरल रिएक्शन है, इनिशियली ए था रिएक्टेंट हमने और ये बाद में बना दिया बी, तो बताओ अभी जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए है ये घटेगी या बढ़ेगी, ये बताओ। अगर एक ग्राफ बनाना चाहें हम, अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, मान लो ये इस तरह से ग्राफ बनाए किस किस का, कि भाई इधर कंसेंट्रेशन विद टाइम, कंसेंट्रेशन टाइम के साथ कंसेंट्रेशन क्या होगी, इधर मान लो ले लिया हमने टाइम और इधर ले लिया हमने कंसेंट्रेशन। तो देखो इनिशियली मान लो हमारी कंसेंट्रेशन ए की यहाँ थी पूरी मैक्सिमम इनिशियली, जब टाइम क्या था, टाइम जीरो पे ए हमारा यहाँ है, ठीक है, और टाइम जीरो पे रिएक्टेंट तो है ही नहीं, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये तो जीरो है। टाइम जीरो पे कंसेंट्रेशन ऑफ ए फुल है, लेकिन यहाँ पे जब टाइम जीरो है हमारा तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। अब रिएक्शन शुरू हुई तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि रिएक्शन जब शुरू होगी तो रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट घटेगा, अगर रिएक्टेंट को घटाएं तो इस तरह से नहीं जाएगा, धीरे 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 ऐसे ऐसे घटता हुआ चला जाएगा। अगर रिएक्शन हमारी कंप्लीट होने वाली है तो कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में जाके मान लो इसमें टच हो जाएगी कि अब ये प्रोडक्ट खत्म। अब जैसे ये इस पॉइंट पे रिएक्टेंट घटा तो कुछ तो बना होगा भाई, अगर ये रिएक्टेंट घटा है तो प्रोडक्ट बना होगा, सीधी सी बात कहीं तो गया होगा, तो वो क्या होगा, अब धीरे धीरे इधर से ये प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, यही तो होता है, यही तो कहानी होती है। देखो इसको इससे ज्यादा मत कर देना, इनका ये बैलेंसिंग होती है दिखाने के लिए, ठीक है। तो यही तो ग्राफ है, अगर कोई आपको दिखाए कि कहे कि रेट ऑफ नहीं कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, उनका साथ में के बनाओ कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज हो रहा होगा,
तो भाई ये बना सकते हो कि इनिशियली जब टाइम टी था, टाइम जीरो था, तो हमारा रिएक्टेंट तो कंप्लीट रिएक्टेंट था। मान लो यहाँ पे ये था 1 मोलर, इतना रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट बना ही नहीं था जब रिएक्शन शुरू हुई। जैसे रिएक्शन शुरू हुई, हम इस टाइम टी पे आए, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुई, तो 1 सेकेंड पे ये जो हमारा रिएक्टेंट था इतना कम हो गया, जबकि इधर ये प्रोडक्ट इतना बढ़ गया। तो ये ग्राफ, एक आइडियल ग्राफ बना सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ आएगा। आप ये ग्राफ बना सकते हो, सभी बहुत अच्छे से बना सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तो करोगे? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे देखो। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ पढ़ लिया हमने कि कैसे रिएक्टेंट जो हमारा, उसकी कंसेंट्रेशन घट रही है। इस ए की कंसेंट्रेशन हमारी घट रही है ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बी की बढ़ रही है। ये ए घट रहा है और ये बी की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। अब पढ़ लिया, अब हमने लिखना है, क्या लिखना है, अब हमने लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, कि इसका रेट कैसे लिखेंगे। तो देखो, मान लो अगर हम कंसिडर कर ले कि टाइम टी वन पे कंसेंट्रेशन है ए वन, और टी टू पे है ए टू। जब टाइम टी वन था तो हमारी कंसेंट्रेशन थी ए वन, और जब टी टू आया तो कंसेंट्रेशन हो गई ए टू। ऐसे ही हम लिखें, एट टाइम टी वन जो बी की कंसेंट्रेशन है ये बी वन और ये बी टू। तो रेट क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज अ चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम अगर लिखना चाहें रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में अगर हम रेट लिखना चाहें इस रिएक्शन का, तो लिखेंगे रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या बताया, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है, ए, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने कहा कि चेंज का क्या मतलब है, भाई यहां से कोई वहां चला गया, चेंज कैसे निकालोगे, कि वहां जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को घटा दो, फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, आप अपने आप चेंज आ जाएगा। तो कैसे करोगे, ए टू माइनस ए वन, फाइनल क्या था ए टू, इनिशियल क्या था ए वन, ए टू माइनस ए वन बाय फाइनल टाइम क्या था टी टू, और इनिशियल क्या है टी वन, क्या आ जाएगा। अब ए टू माइनस ए वन क्या लिख सकते हैं, डेल ए लिख सकते हैं, कि ए की कंसेंट्रेशन में जो चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल टी, कर लोगे डेल ए बाय डेल टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो, जब भी कंसेंट्रेशन हम इसमें लिखे हैं, कहीं भी आप याद रख लेना आज के बाद से, जब भी कंसेंट्रेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, तो कंसेंट्रेशन को हमेशा लिखा जाता है स्क्वेयर ब्रैकेट में डेल ए बाय डेल टी। शायद दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो, क्योंकि ए क्या है हमारा, क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हुआ है, डिक्रीज इन द रिएक्शन, तो ये क्या आएगा, इन सब के सामने माइनस का साइन आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन दिस रिएक्शन हो जाएगा डेल कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल टी। अब जो भी कंसेंट्रेशन होगी, उस टाइम दिया होगा, उससे निकाल दो, वो आपका आ जाएगा रेट। अगर सेम ऐसे लिखा है, आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, लिखो बी के लिए कैसे लिखोगे, भाई बी के लिए भी लिख सकते हो ना ऐसे ही, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा, बी टू माइनस बी वन बाय टी टू माइनस टी वन, और डेल बी बाय डेल टी। बी को किस में रखना है, स्क्वेयर ब्रैकेट में। इसके सामने माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, बताओ, इसके सामने माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन, क्योंकि रिएक्शन में बी का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कहीं भी हमारा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, केवल आएगा पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट के केस में। तो आ जाएगा, आप सभी रेट निकालना सीख गए आप सभी, कि कैसे रेट निकलेगा, किसी भी रिएक्शन का हम रेट कैसे लिखेंगे। अब देखो, कुछ टाइप्स ऑफ रेट्स हैं, वो हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, अपलोड करते टाइम दिक्कत आएगी आप तक पहुँचाने में। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं कह रहा हूँ जो बेसिक शुरू की 10 मिनट है उसको एक बार रिपीट करके, एक बार ये क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। वो आ गया तो अपने आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। आप सीधा रेट रिएक्शन से शुरू कर सकते हो, समझ में आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन भी कर लोगे, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। तो मेरा ये कहना है, इस वीडियो को आप अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, अदरवाइज हम हैं यहाँ डाउट क्लियर करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने सभी यार दोस्तों से बोलकर चैनल को सब्सक्राइब करा दिया होगा। आज तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज साथ साथ करते रहिए, और सभी को रिकमेंड करिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।